नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर है मेरे पास। यूपी में अब 24 मई तक लॉकडाउन के आदेश हो गए हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल सब बंद रहेंगे। और सबसे बड़ी जो उन्होंने घोषणा की है योगी सरकार ने, वो ये है कि 1 करोड़ रेहड़ी पटरी और रिक्शा वालों को सरकार इस महीने 1,000 रुपया देगी। यूपी में योगी सरकार ने 5वीं बार लॉकडाउन बढ़ाया है। हालांकि इससे 1 महीना पहले ही योगी ने कहा था कि हमें लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा और ये निर्णय आज देर शाम तक चली मीटिंग में, कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इससे पहले 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था और नई गाइडलाइन में प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बेसिक शिक्षा को छोड़ करके सभी शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी घोषणा की है इस मीटिंग में, गरीबों को अनाज देने में प्रति यूनिट 5 किलो उन्हें फ्री अनाज दिया जाएगा। इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को हर संभव राहत और मदद उपलब्ध कराएगी। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर रहे और अपने जीवन यापन के लिए काम करने वाले, ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले तथा पटरी दुकानदारों को, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा, ई चालक और पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परंपरागत कामगारों को 1 महीने के लिए 1,000 रुपये का भत्ता देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इससे लगभग 1 करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंदों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की भी व्यवस्था की गई है। आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को यथावत संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में बहुत साफ लफ्जों में कहा कि कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिली है, इसीलिए इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्व से ही कोविड-19 की निशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा निशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन कार्य भी पूरे प्रदेश में चला जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का फ्री टीकाकरण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए अपनी ओर से पूरी तरह से कृत संकल्पित है। सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं चल रही हैं। दुर्घटना में किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाए अथवा दिव्यांगता हो जाए तो उस पर 2 लाख दिए जाएंगे और बीमा कवर रहेगा। 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की कवर की भी व्यवस्था इन योजनाओं के द्वारा की गई है। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले महीने तक प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के सख्त खिलाफ थे। इसी वजह से सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने संक्रमण को रोकने के लिए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि इसके बाद सरकार को वही करना पड़ा जो हाई कोर्ट ने कहा था। तो दोस्तों, ये थी योगी सरकार की योजनाओं से और उसके दिशा निर्देशों से जुड़ी खबर। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको हर अपडेट देती रहूंगी। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।